हाय फ्रेंड्स, मैं साइलिनो, आशा करती हूँ आप लोग सभी ठीक हो। आज मैं हूँ नागालैंड की सेकंड बिगेस्ट सिटी दिमापुर में। ये है दिमापुर में स्थित कसारी रुइंस। रुकिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग नागालैंड पहुँचोगे कैसे। नागालैंड पहुँचने के लिए आप लोगों को पहले दिमापुर एयरपोर्ट या दिमापुर रेलवे स्टेशन तक पहुँचना पड़ेगा। दिमापुर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के बाहर नागालैंड के सभी जगहों पर जाने के लिए आप लोगों को फेयर टैक्सी या बसेस मिल जाएंगे। दिमापुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड है। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं दिमापुर में स्थित कसारी रुइंस स्थल के। प्राचीन समय में दिमापुर कसारी आदिवासियों का राज्य हुआ करता था। कसारी भाषा के अनुसार डी का अर्थ नदी, माँ का अर्थ महान और पुर का अर्थ शहर होता है। मतलब दिमापुर का अर्थ है नदी के किनारे स्थित एक महान शहर। चलिए अंदर चलते हैं। इस जगह को राजबाड़ी भी बोला जाता है, किसी ने बताया। दिस राजबाड़ी इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द टाउन ऑफ दिमापुर। बताया जाते हैं कि ये रुइंस 13 सेंचुरी का है। ये राजाओं का एंट्रेंस गेट था, लेकिन फिलहाल अभी बंद करके रखा है। ये जगह ऐतिहासिक कसारी राज्यों के मनोलिथ मंदिरों, स्नानघरों और तटबंधों के प्राचीन खंडहर से भरा हुआ है। 1536 में आहोमों ने कसारी राज्य पर जबरदस्त हमला किया था और कसारी राजा हार गए थे और ये राज्य कसारी राज्य तहस नहस हो गए तब। और कसारी यहाँ से भागकर माईबंग चले गए। माईबंग का अर्थ है जहाँ बहुत धान होता है। माई का अर्थ है धान और बंग का अर्थ होता है बहुत। ये यहाँ का सबसे बड़ा पिलर है। यहाँ के एक लोकल्स ने बताया कि कसारी रुइंस महाभारत से ही जुड़े हुए हैं। मैं अभी आप लोगों को डिटेल्स में बताती हूँ। पांडव जब वनवास में था तब भीम जी ने राक्षसनी हिडिंबा से शादी किया था। भीम और हिडिंबा का पुत्र है घटोत्कच और ये कसारीज घटोत्कच का ही डिसेंडेंस वंशधर है। कसारीस ने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था। बहुत सुंदर है, मुझे बोलने के लिए भाषा ही कमती पड़ रहे हैं। यहाँ के पिलर्स के शेप शतरंज की गोटिया जैसा है, इसलिए कोई कोई दावा करते हैं कि यहाँ भीम और घटोत्कच शेष खेलते थे और ये पिलर शेष की गोटिया है। फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए, अगर ये इतने बड़े बड़े पिलर सेंस की गुटिया है तो भीम और घटोत्कच का बॉडी का साइज कैसा होगा और कितना बड़ा होगा। ये पिलर्स दिखने में शतरंज के गुटिया जैसे ही लग रहे हैं। एनीवे, जो भी हो, ये दिमापुर के कसारी रुइंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बहुत ही प्राइड और ग्लोरी की बात है। मैं खुद भी कसारी ट्राइब से ही बिलोंग करती हूँ। ये कसारी रुइंस बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षण करते हैं। यहाँ एक बड़ा सा पॉन्ड भी है। अभी मैं दिमापुर से कोहिमा के लिए निकल पड़ी हूँ। दिमापुर से कोहिमा 2 घंटा लग जाएंगे पहुँचने में। दिमापुर टू कोहिमा हाईवे के एक रेस्टोरेंट में पहले लंच कर लेती हूँ। नागा रेस्टोरेंट ही है, टेस्टी लंच। फाइनली दिमापुर से कोहिमा 2 घंटे,
जर्नी करने के बाद पहुंच गए। आज मैं कोहिमा में पहले वेजिटेबल मार्केट ही घूम लेती हूँ। मशरूम्स, फ्रॉग्स, रिवर स्नेल्स, सिल्क वर्म्स, एप्पल सीप्स, वाइल्ड बनाना फ्लावर, प्रिजर्व्ड बेम्बो सूट, ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर मेड ऑफ बेम्बो कैन एंड वुड। ये नागास का ट्रेडिशनल प्लेट है जहाँ वो लोग खाना खाते हैं। इस प्लेट को लोकली सिंगथा बोलते हैं। ब्रूम्स और नागास बास्केट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोहिमा वार सेमेट्री एक्सप्लोर करूंगी। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नए नए वीडियोस के साथ।